Hello friends, welcome to Global Online University channel, and please like and subscribe the channel. Okay friends, तो आज हम start करेंगे magnetization. तो friends, magnetization important topic है काफी. तो magnetization होता क्या है? पहले हम ये समझेंगे magnetization क्या होता है. तो magnetization friends क्या होता है? कोई charge particle है. Okay friends, कोई charge particle है और अगर वो motion में है. Okay friends. तो फ्रेंड्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मोशन में है तो क्या करेगा? वो जनरेट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड. ओके फ्रेंड्स, चार्ज पार्टिकल और वो मोशन में है तो एक जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसको ही मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नेटाइजेशन चार टाइप्स का होता है. यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म होता है, डायमैग्नेटिज्म होता है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है और आपका होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? ये अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड होता है जो बाहरी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, बट ये टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है. ओके फ्रेंड्स, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स? ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरेलल ही हो जाते हैं, एंटी पैरेलल नहीं होते. ओके फ्रेंड्स, अब जो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, वो रैपल करेगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे रैपल कॉज करेगा और ये भी टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है, एक टेम्पोरेरी इफेक्ट कॉज करता है. ओके फ्रेंड्स, अब जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो अट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के और वो परमानेंट इफेक्ट होता है. ओके फ्रेंड्स, अब जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है ये भी रैपल करता है मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी रैपल करेगा और ये भी परमानेंटली होता है. तो एंटी फेरो में क्या होता है फ्रेंड्स, एंड ये एंटी पैरेलल स्पिन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की. और अब आता है फेरी मैग्नेटिज्म भी अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है. ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट देखते हैं. तो हमारा ये जो फाइव टाइप्स की मैग्नेटिज्म होती है, तो इनसे कंक्लूजन ये निकला कि आपका पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म एक टेम्पोरेरी इफेक्ट कॉज करते हैं और ये ही टेम्पोरेरी इफेक्ट होते हैं. ओके फ्रेंड्स, और हमारा डायमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ही रैपल कॉज करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए. ओके फ्रेंड्स, और जो फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी क्या फॉलो करते हैं? क्यूरी टेम्परेचर फॉलो करते हैं. ओके फ्रेंड्स, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म कौन सा टेम्परेचर फॉलो करते हैं? क्यूरी में टेम्परेचर फॉलो करते हैं और एंटी फेरो क्या फॉलो करते हैं? नील टेम्परेचर. ओके फ्रेंड्स, तो ये बात रही हमारी मैग्नेटिज्म. अब नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब फ्रेंड्स, की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होते हैं? ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है टेंडेंसी टू मैग्नेटाइजेशन, कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ. ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इसको किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? काई से डिनोट करते हैं. तो ये काई होता है, काई इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच. ओके फ्रेंड्स, काई जो होता है बी अपॉन एच होता है. बी क्या होता है? जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एच हो गया जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. ओके फ्रेंड्स, तो काई, तो काई एक और बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एक टर्म आ गया काई और अब एक और नेक्स्ट टर्म आता है फ्रेंड्स काई एम. ओके फ्रेंड्स, काई एम हो गया फ्रेंड्स कि काई एम हो गया आपका मोलर ससेप्टिबिलिटी. कि मोलर ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि एक मोल को अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो रहा है. ओके फ्रेंड्स, कि पर मोल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि एक मोल कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ. ओके फ्रेंड्स, तो काई अपॉन एम, वन मोलर. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये कंक्लूजन निकला. तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है फ्रेंड्स वो गाउस के मेथड से डिटरमाइन होती है. ओके फ्रेंड्स, तो काई इक्वल्स टू डायरेक्ट रिलेशन होता है 1/T के, कि ये टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन होता है काई. काई हो गया जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स. तो इसका एक एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आया था फ्रेंड्स जो काई को डिनोट किया था काई का. तो अगर हम मोलर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ था कि ये कुछ ग्राफ्स आए थे
तो पैरामैग्नेटिज्म का ये ग्राफ था फ्रेंड्स, ये पैरामैग्नेटिज्म का है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का है, और ये फेरो और फेरी का कुछ इस टाइप से ग्राफ आया था, ये ऐसे कर्व सा, ओके फ्रेंड्स। और ये डायमैग्नेटिज्म का है, ये आपका डायमैग्नेटिज्म का ग्राफ है। तो फ्रेंड्स इसका क्या कंक्लूजन निकला, ये आपका क्यूरी, इसको क्यूरी लॉ भी कहते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्यूरी का भी ग्राफ होता है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि एक कि ये जो ये ग्राफ है ये पैरामैग्नेटिज्म को तो अच्छे से बिहेव अच्छे से शो कर रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म के लिए ये कॉज कर रहा है, मतलब डिस्टॉर्शन कॉज कर रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। और आपने ये देखा होगा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे ये टीसी हो गया, ये यानी क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद ये डाइल्यूट हो जाएंगे सॉल्यूशन, और ये एक टेम्परेचर आ रहा है फ्रेंड्स एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का, ये टीएन हो गया, ये क्या हो गया, नील टेम्परेचर, ओके फ्रेंड्स। इन जनरल जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स नील टेम्परेचर, टीएन की वैल्यू टीसी से ज्यादा होती है फ्रेंड्स इन जनरल, कि नील टेम्परेचर की वैल्यू टीसी से ज्यादा होती है। और देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो डायमैग्नेटिज्म है ना, कि डायमैग्नेटिज्म क्यूरी लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि अब देखिए फ्रेंड्स काईएम टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं और डायमैग्नेटिज्म झुका हुआ है, कि डायमैग्नेटिज्म कोई डेविएशन शो नहीं कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स जो अगला अगला मैं देखता हूं कि अब जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ ये ग्राफ आया हमारे पास, बट ये ग्राफ जो था आपका ये केवल पैरामैग्नेटिज्म के लिए ही अच्छे रिजल्ट शो करे, एंटी फेरो और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया, इसलिए इस ग्राफ को बाद में मॉडिफाई किया कौन से साइंटिस्ट ने, वीस साइंटिस्ट ने, ओके फ्रेंड्स। एक वीस साइंटिस्ट आया, उसने इस ग्राफ को आगे मॉडिफाई किया, और इसने क्या काम किया इसके लिए फ्रेंड्स, जो आपके लिए इस वाले ग्राफ के लिए मैं ये लिख रहा हूं काई, डायरेक्ट रिलेशन है 1/T के, मतलब टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन है, तो काई अगर मैं हटाऊंगा तो काई इक्वल्स टू C/T हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स C/T हो जाएगा, ये सी इज ए क्यूरी लॉ, क्यूरी क्यूरी कॉन्स्टेंट है, क्यूरी कॉन्स्टेंट, ओके फ्रेंड्स। तो हमने यहां तक पढ़ा कि ये केवल पैरामैग्नेटिज्म के लिए अच्छे रिजल्ट शो करे, एंटी फेरो फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म के लिए इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया, तो फिर इसको मॉडिफाई किया वीस ने। तो वीस ने क्या क्या करा फ्रेंड्स, काईएम और 1/T के वर्सेस इसने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो इसने इसके ग्राफ काफी हद तक अच्छे आए, ये फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म का ये ग्राफ प्लॉट हुआ, और पैरामैग्नेटिज्म का फ्रेंड्स ये ग्राफ प्लॉट हुआ। और तो फ्रेंड्स उसने क्या किया, ये थीटा डिस्टेंस थी, तो उसने क्या करा जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म था उसने पीछे की तरफ प्लॉट कर दिया, ये किससे, इससे थीटा डिस्टेंस पर, ओके फ्रेंड्स, ये इससे हो गया थीटा डिस्टेंस पर। तो एक मिनट फ्रेंड्स मैं इसको रब कर देता हूं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसने ये क्या काम किया, उसने इससे थीटा डिस्टेंस से उसने पीछे की तरफ थीटा डिस्टेंस से इसने ड्रॉ कर दिया, ये 1/T। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो 20 लॉ था ये सबके लिए वैलिड हो गया, सबके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आया, और इसकी वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, काई एम इक्वल्स टू C/T-θ, ओके फ्रेंड्स, कि उसने थीटा, अब थीटा जो डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पर ही की ही यूनिट होगी इसकी, जो टेम्परेचर की होगी। तो ये जो इक्वेशन आई फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला ये सबके लिए वैलिड हुआ, एंटी फेरो के लिए भी वैलिड हुआ, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए भी वैलिड हुआ, और पैरामैग्नेटिज्म के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत वैलिड हुआ, ये जो फॉर्मूला था काई एम इक्वल्स टू C/T-θ, ओके फ्रेंड्स। तो ये मैग्नेटिज्म में है फिलहाल, ये इतना मैग्नेटिज्म की थ्योरी है। अब मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने की, इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पहला पहला क्वेश्चन लिखा है, गेट में आया फ्रेंड्स की, पहला क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ काई टी वर्सेस टी, वेयर काई इज द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड विच स्ट्रिक्टली फॉलोज द क्यूरी इक्वेशन, मतलब क्यूरी इक्वेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। चार मेरे पास ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा काई टी वर्सेस टेम्परेचर के वर्सेस कौन सा ग्राफ है जो कि क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। तो क्यूरी का हमें पता है काई इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स,
का इक्वल्स टू होता है सी अपॉन टी होता है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो का इक्वल्स टू सी अपॉन टी होता है। तो अगर फ्रेंड्स मैं इस टी की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं तो इक्वल्स टू सी आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स, तो काई टी इक्वल्स टू सी। अब सी क्या है, यहां पर क्यूरी कॉन्स्टेंट है, क्यूरी कॉन्स्टेंट, ओके फ्रेंड्स। तो अब मेरा यहां पर सिंपल इक्वेशन आ गई कि काई टी इक्वल्स टू सी, जो काई टी की वैल्यू अब ये कॉन्स्टेंट होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा इनमें से, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें काई टी की वैल्यू बढ़ाने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काई टी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, और इसमें भी इसकी वैल्यू कम हो रही है, और इसमें इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बस बट इस वाले ऑप्शन में काईटी की वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ी है। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा, काईटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि इस इक्वेशन से प्रूव होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हुआ सी, ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स नेट में आया था, तो ये कह रहा है दी कॉम्प्लेक्सेस K2NiF6 और K3CO F6R, इनमें से बताना है कौन से पैरामैग्नेटिक हैं, कौन से डायमैग्नेटिक हैं, क्या दोनों डायमैग्नेटिक हैं या दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं K2NiF6, ओके फ्रेंड्स। अगर मैं निकल की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करता हूं तो कितनी आएगी फ्रेंड्स, NiF6, ये पोटेशियम है, ये दो यहां पर चले आएंगे, टू नेगेटिव हो जाएगा। अगर Ni की में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करता हूं तो 6 माइनस और 2, यहां पर 6 माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो Ni किस में आ गया फ्रेंड्स, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4, यानी Ni+4 में है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, D6 हो गया। अब फ्रेंड्स हमें पता है अगर 3D सीरीज का मेटल अगर वो +4 में हो, +3 या +4 में हो, तो उसके लिए फ्लोरीन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ओके फ्रेंड्स, ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये D6 की आ गई फ्रेंड्स, तो T2G6 हो गया फ्रेंड्स, और आपका क्या हो गया, EZ0 हो गया। तो T2G6 का मतलब हो गया सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, यानी इसका कुछ इस टाइप से बनेगा फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये डायमैग्नेटिक सारे पेयर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, डायमैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स हमारा पहला तो ये हो गया कि डायमैग्नेटिक। अब हम देखते हैं दूसरे वाला, तो दूसरे वाला फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स दूसरे वाला क्या है, K3CO F6 है हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ये K3 है, तो ये 3 माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, CO F6 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये +3 आ गई, तो कोबाल्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो +3 का मतलब हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया D6 कॉन्फिगरेशन होगी। अब फ्रेंड्स हमें ये बात ध्यान देनी है, हमने ये पहले पढ़ा है कि कोबाल्ट अगर +3 में है तो उसके साथ हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा फ्रेंड्स। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो D6 जो होगा, तो इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, T2G4 हो जाएगा, और EG आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स, तो कोबाल्ट हो जाएगा D6 हो गया। तो इसका अगर मैं ये देखता हूँ T2G और EG की स्प्लिटिंग देखता हूँ, तो ये फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्या आया था, डायमैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक, तो पहले वाला डायमैग्नेटिक था और दूसरे वाला पैरामैग्नेटिक, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको प्लीज अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जितना करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके फ्रेंड्स।